माहिन, माहिन आज आप कहाँ आई हैं? हम रूबिया सिंह खान के घर पे, उन्होंने कन्यान पूजा करी है ना, तो हम खाने आए। उन्होंने आपको बुलाया था कन्या पूजन के लिए? हाँ। किस तरह से कन्या पूजन किया उन्होंने? हमारे पैर धुलाए और खाना दिया और चीज दी। माँ भगवती की हमने मूर्ति की स्थापना की थी और नौ दुर्गों में हमने आज नौ मतलब कन्याएं खिलाई हैं, जिसमें के छह कन्या थी और तीन लांगुर थे, और पूजा वूजा की थी और उनको जो भी बच्चों को सामान है उनके खाने पीने का वो दिया था। मैं ये चाह रही हूँ कि प्रशासन से के कड़ी से कड़ी सुरक्षा रहे हमारी, जिसमें हमारी जान को पूरी तरह खतरा है। इन्हीं सब चीज़ों को लेके चलते हुए आज इतने फतवे जारी हो चुके हैं, मुस्लिम समाज के लोग दुश्मन बन चुके हैं, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, कुछ कह नहीं सकती। पोस्टर लगवा दिए, पहले गणेश जी की मूर्ति की स्थापना की थी तो उसमें फतवे दिए थे, और आगे सब ये चल ही रहा है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। शारदा नवरात्रि का पावन पर्व के उपलक्ष्य में माँ भगवती की स्थापना की थी हमने अपने घर पर। आज नवमी है, इसलिए आज कन्या पूजन का आयोजन किया गया है, जिसमें कन्याओं को भोजन भी कराया गया है। छह कन्या पूजी गई हैं, तीन लांगूर, उन्हें दक्षिणा भी की गई है, उनको भोजन भी कराया गया है। और इसी आयोजन में हमें और हमारी पत्नी को, पूरे परिवार को बहुत धमकियां मिली, फतवे मिले, हमारे घर पे पोस्टर लगा दिए गए, मोहल्ले में पोस्टर लगा दिए गए कि इन्हें रूबिया आसिफ खान को ये काफिर बन गई है, इन्हें परिवार से ही जिंदा जला दो, इनको इस्लाम से खारिज कर दो। उस पर नारे तकबीर अल्लाह अकबर लिखा था, लेकिन हम पीछे नहीं हटे इससे। अब हमें इसी खौफ की वजह से जीना पड़ रहा है, जिसमें प्रशासन ने एक कांस्टेबल दिन में दे रखे हैं, दो कांस्टेबल रात में दे रखे हैं। सुरक्षा व्यवस्था के चलते हम इस टाइम अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं।